नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यू टोन के बारे में, पर सबसे पहले सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। ओके, अभी एक सिंगर है, ये गा रहा है कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ऑटो ट्यून या पिक्चर के बारे में। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, यहां से गए एक नंबर में, मिक्सर के 10 नंबर में गए, यहां पर क्लिक किया, यहां क्लिक करके आपने ले लिया है ऑटो ट्यून। ठीक है, कुछ यहां पर छेड़ दिया, थोड़ा इफेक्ट वगैरह आ गया, ठीक है, मान गए। लेकिन आप कहते हैं अभी भी इसके सुर उतने अच्छे नहीं हुए, तो क्या करें? तब बात आती है प्रॉपर पिचिंग की। अब पिचिंग क्या है? एक एक सुर जहां जहां ये गा रहा है, कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है, कहने कहने को क्या, ये सारे वर्ड्स, ये अलग अलग जो हैं, इनका एक एक सुर है। कुछ सही सुर पे है, कुछ गलत सुर पे है, उन सबको एग्जैक्टली सही सुर के ऊपर बिठा लेना ही सही पिचिंग है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें जो एक्टर है उसने ही गाना गाया होता है। अब ऑब्वियसली एक्टर एक प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, लेकिन हमें उसको सुर में लेके आना है क्योंकि यही हमारा काम है, तो हम करते हैं पिचिंग। कैसे होगी वो, मैं सबसे पहले इसे करता हूं। मैंने यहां क्लिक किया है, मैं फिर बता देता हूं। यहां गए, मिनिमाइज किया है, ये साइड में आ गया। किसी भी चैनल पे मैं गया, यहां मैंने क्लिक किया और यहां मैं लेता हूं न्यू टोन। ये मेरे पास आ गया है न्यू टोन। चलिए इसे करते हैं बंद, इसे ले आते हैं हम साइड में। ठीक है, अब न्यूटोन ये एक स्टॉक प्लगइन है, FL स्टूडियो के अंदर है। इसके जैसा और भी बहुत सारे प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक्सटर्नल सबसे जो पॉपुलर है जिसका नाम है वो है मेलोडाइन, आपने शायद सुना भी होगा। और क्यूबेस का इसके जैसा ही है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस पे किया डबल क्लिक, ये आपके सामने आ गई है ऑप्शन, इसे पकड़ा, ड्रैग करके हम ले जाएंगे इधर। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। मैंने ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने वहां पर गाया था वो यहां पर आ गया है, और जो जो वर्ड थे वो अपने आप कट गए हैं और अलग अलग सुरों के ऊपर आ गए हैं। वो अपने आप ही बता रहा है कि कौन कौन से सुर के ऊपर क्या चीज गई है। यहां पर पियानो रोल की तरह बताया भी गया है, ये C4 C5 अलग अलग ऑक्टेव दिखा रहा है। ओके, और इसने ये भी बता दिया है कि ये सुर ए के ऊपर आया है, ये ए शार्प के पास आया है, ये एफ के पास आया है। आइए सुनते हैं। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। अब थोड़ा सा मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसको किया मैंने जूम, थोड़ा सा यहां किया जूम, ऊपर जाते हैं, ये सुर सुनते हैं, सिर्फ ये वाला सुर। कहने कहने को, कहने कहने को, कहने कहने को, कहने। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल मैं इसके ऊपर गया और ये एरो बना गया। कहने कहने को क्या, को सुनते हैं। कहने कहने को क्या है, ओ। कहने कहने को क्या है, आप देख रहे हैं मेलेडी ही चेंज हो गई और बिल्कुल सही लग रही है, कुछ ज्यादा आर्टिफैक्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं इसको और ज्यादा ऊपर नीचे करके जाऊंगा तो फिर थोड़ा थोड़ा रोबोटिक वो साउंड करने लग जाएगा। कहने कहने को क्या है, कहने कहने को क्या है, दिल में दिल में दिल में दिल में। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या, बचा ही, दिल में बचा ही क्या, दिल में बचा ही क्या है। तो आप देख रहे हैं कहने कहने को क्या है, चेंज ही हो गया। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। मैंने इसे और किया जूम, यहां पर अगर आप देखें हिंट पैनल में लिखा है कट मोड, इसे क्लिक किया, कट मोड क्या है, ये क्लिक किया, चलो ये दो सुर में इसने और डिवाइड कर दिया, यहां क्लिक किया और डिवाइड कर दिया, यहां क्लिक किया और डिवाइड कर दिया, इसे ऑफ किया, वापिस वही वाला एरो आ गया, इसे पकड़ा, इसको ले गए, सुनते हैं क्या बना। कहने कहने, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से उसने और कितना फनी सा बना दिया है। कहने कहने को क्या है, तो आप काट काट के बिल्कुल सही सुर के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसलिए आप आजकल जो देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स गाना गा रहे हैं और बहुत ही सुर में गा रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड कर रहे होते हैं, वो इस टेक्निक से गा रहे होते हैं। इसके जैसे ही एक और है मेलोडाइन, आप देख सकते हैं, बट मेलोडाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक प्लगइन है, FL स्टूडियो के अंदर है। अब
कंट्रोल ऑल्ट जेड, मैं थोड़ा वापस ले जाता हूँ इसको, आई थिंक यहाँ था। हाँ, कहने कहने को क्या है, ना 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 ने क्या है। ठीक है, अब इसको किया यहाँ से जूम, तो हम यहाँ अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहली जो राइट साइड वाली ऑप्शन है, अगर आप हिंट पैनल में देखें, लिखा है सेंड टू प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया है। सुनते हैं पहले क्या था। कहने कहने को क्या है, अब वाला क्या है, कहने कहने को क्या है। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, डबल क्लिक किया, उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ सुर आ गए, उसके सुर चेंज किए, उठा के ये वाला बटन दबाया, वापस वो प्लेलिस्ट के अंदर आ गया। दूसरी ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आप इसे यहाँ पकड़ते तो ये ऐसे करके भी यहाँ पर आ जाता, बात वही है, हटाते हैं इसे। तीसरी ऑप्शन, आपने जो भी ये सेटिंग की है इसको आप वेव फॉर्मेट में कहीं भी सेव कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन, ये बहुत ही कूल ऑप्शन है, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ ये ऑप्शन मत यूज़ कीजिए, बट ठीक है अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। क्या है ये, मैंने इस पर किया क्लिक, क्लिक होने से क्या हुआ, उसने अपने आप ही एक बना दिया जहाँ पर ये सुर थे, जो जो ये वाले सुर हैं उसने पियानो रोल में वहाँ पर शो कर दिए। राइट क्लिक, रिप्लेस, और मैंने इसको कर दिया FL की। सुनते हैं ये क्या है। आप देख रहे हैं जहां जहां वो गाया था उसने 90% कोशिश की है कि वहां वहां सुर आ जाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पियानो रोल के अंदर मेलेडी वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो गुनगुनाएं, गुनगुनाने के बाद वो न्यूटोन में ले जाएं, न्यूटोन के अंदर जब जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी आपने गुनगुनाया है वो पियानो रोल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे चाहे रिप्लेस करते रहिए, कुछ करते रहिए, चाहे इसी को मेलेडी को चेंज वगैरह करते रहिए। वापिस आते हैं इधर, ओके अब हम फिर से खोलते हैं न्यूटोन। अगर मैं इसे यहां से करता हूं जूम, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही सुर के ऊपर नहीं है, ना ही ये सी के ऊपर है, ना ही ये सी शार्प के ऊपर है, ये कहीं बीच में है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बेसुरा है। तो सही तरीका क्या है, या तो आप इसे पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, या फिर यहां पर एक ऑप्शन दी गई है सेंटर, आप इसे जैसे जैसे हिलाते जाते हैं सारे सुर, आप देख रहे हैं नीचे वाला भी ऊपर वाला भी अपनी एक सही जगह पर आना शुरू हो गया है, और जैसे मैंने इसे फुल किया वो अपनी सही जगह पर आ गया, जो सॉफ्टवेयर को सही जगह लगी। हो सकता है ऊपर वाली भी हो सकती थी, वो हम सुन के देखेंगे, लेकिन अपनी तरफ से उसने कोशिश की कि ये सी पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी से ज़्यादा नियर था, ऊपर और नीचे में जो सुर ज़्यादा पास होगा उसके पास वो ले जाएगा। तो उसने सारे के सारे सुर बिल्कुल सही सही जगह पर लगा दिए हैं अपने हिसाब से। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। कहने कहने को क्या है, कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। आप देख रहे हैं का सुर पहले सही नहीं था, यहां था। कहने को क्या है, होना चाहिए यहां, मैंने नीचे कर दिया। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है, बचा। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। अब ये चीज मेरे पास आ गई है, मैंने इसे सीधा किया और ये अपने सही सुरों के ऊपर आ गया। अब यहां पर आप एक ये लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी आ रही है ये आपकी पिच की वेरिएशन है कि आपकी आवाज में कितनी कंपन है, यहां पर बहुत ज्यादा कांप रही थी, कहीं ये थी। अगर आप इसको, ये जो वेरिएशन वाली नॉब है, आप जितना ज़्यादा करते रहेंगे उतनी वो देगा। अगर आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, आप देख रहे हैं पिच की वेरिएशन एकदम स्ट्रेट हो गई है, एकदम स्ट्रेट, नेचुरली ऐसी थी, अभी स्ट्रेट हो गई है। स्ट्रेट से क्या होगा, आर्ट इफेक्ट आएंगे। आही क्या है, पीछे करते हैं। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो रोबोटिक रोबोटिक सी फील आनी शुरू हो गई है, तो बिल्कुल भी यूं नहीं करना है, थोड़ा 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 हम इसे ऑन करके ही रखेंगे। अब इसके सुर वापस पिछले वाले जैसे करूं, एक मिनट यहां सुनते हैं। कहने कहने को क्या है, कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही, यहां कुछ अलग था, है दिल में बचा ही क्या है, बचा ही। कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है, है दिल में बचा ही क्या, दिल में बचा ही क्या है। अच्छा, हमने ये मूव जो कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
उसके बाद उसने ऊपर नीचे कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हार्मोनाइज करूंगा अपनी ही आवाज को जो सिंगर यहाँ गा रहा है। देखिए कितना इजी होगा, मैंने इस सबको किया सिलेक्ट, ठीक, और ये पकड़ के मैं 1 2 3 ऊपर ले गया हूँ। इस पर किया क्लिक, वहाँ पर एक और आ गया है। फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 याद है 3+4 मैंने क्या बताया था, माइनर। इसके बाद फिर मैंने क्लिक कर दिया, एक आवाज फिर आ गई। अब ये क्या चीज है सुनते हैं। कहने कहने को क्या है, कहने कहने को क्या है, कहने कहने को क्या है। आप देख रहे हैं ज्यादा ऊपर जाके आर्टिफैक्ट आते हैं, लेकिन इकट्ठा चलाएंगे तो क्या फील आती है। कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। हार्मोनाइजिंग, डबल क्लिक किया, थोड़ा सा किया कम, हल्का सा कर दिया लेफ्ट साइड पर, डबल क्लिक किया, थोड़ा सा किया कम, हल्का सा कर दिया राइट साइड पर। फील, कहने कहने को क्या है, दिल में बचा ही क्या है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम सुर वगैरह ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर जब मैं ऑटो ट्यून लगाऊंगा तो और अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। तो हार्मोनाइज कर सकते हैं हम, बहुत सारी अच्छी चीज के अंदर ऑप्शंस होती हैं। आप इसे काट सकते हैं, जितने ज्यादा सुर काटेंगे उतने ज्यादा आपको और क्लीन काम करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग के टाइम मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग की आप कोई टिप दीजिए। मैं सबको सिर्फ एक ही टिप देता हूँ, गाना गाते वक्त एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। सुर की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सुर तो कंप्यूटर ठीक कर लेता है, लेकिन एक्सप्रेशन का कोई प्लगइन नहीं है। तो अगर आप ठंडे होकर गाएंगे कहने कहने को क्या है, सुर अच्छा भी होगा तो भी आपको फील नहीं आएगी। एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जो वो एक्टर्स होते हैं, जब वो गाना गाते हैं तो वो खूबसूरत गाना क्यों बनता है, क्योंकि 20-20 साल का उनको एक्टिंग का एक्सपीरियंस है। वो जब एक्सप्रेशन देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की उनको फील है, तो सुर तो ठीक हो जाता है कंप्यूटर से, लेकिन एक्सप्रेशन इतना बढ़िया दिया होता है उन्होंने, क्योंकि वो एक्टर हैं, इसलिए गाना सुनने में भी ऐसे लगता है कि किसी सिंगर ने गाया है। अब हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया और इस नोट पर क्लिक किया, यहाँ पर कोई चीज़ बनी आ गई। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि जूम हो जाए। ये ऑप्शन सिलेक्ट हो रखी है, इस पर एक यू लेकर गए, किसी के भी ऊपर मैं सिर्फ लेकर जाऊंगा, वो कुछ बॉक्स बना हुआ आ जाता है। अगर ये ऑफ भी है तो मुझे क्या करना है, इस पर डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, वो अपने आप ऑन हो जाता है। अब इसमें ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पर इसकी टाइमिंग ये है और मैं चाहता था कि टाइमिंग थोड़ी आगे होनी चाहिए थी। जैसे ही मैं यहाँ लाता हूँ हाथ आ जाता है थोड़ा सा आगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे आराम से आगे पीछे हो जाता है। कैसे, को क्या है, कहने को, मैंने को कर दिया और पीछे और कहने कर दिया इधर आई, कहने को क्या, कहने 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 को क्या है। आप देख रहे हैं कहने को क्या है, यूं हो गया, कहने कहने को क्या है, दिल में बचा। वापिस करते हैं हम इसे जूम, इस वाले के ऊपर लेके गए, यहां पकड़ेंगे तो आप उसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं। नीचे वाले को पकड़ेंगे, जैसे ये एरो आएगा आप इसकी पिच वगैरह स्ट्रेट वगैरह कर सकते हैं, या आप जैसे देख रहे हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस इसके अंदर और आ जाती हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपकी फील के ऊपर डिपेंड करता है। इसके जैसा एक और बहुत ही पॉपुलर प्लगइन जो कि एक्सटर्नल है वो है मेलोडाइन। आप उसे सर्च करेंगे गूगल में, एग्जैक्टली इसके जैसी ही इमेज आएगी, ऑरेंज कलर का होगा, यही ऐसे ऐसे ही सुर बने होंगे उसके ऊपर नीचे। क्यूबेस में भी सेम तरीके से पिचिंग होती है। आइए किस तरह से, मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी दिखाता हूं। ये मैंने ऑडियो उठाई, ये क्यूबेस के अंदर आ गई है, मैंने ओके किया, ये आ गई है, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम ऑडियो है जो हम एफएस स्टूडियो में भी सुन रहे थे। इस पे किया मैंने डबल क्लिक, डबल क्लिक किया, आपके सामने दिख रही है अंदर ये ऑडियो, सेम ऑडियो है। लेफ्ट साइड पे अगर आप यहां पर देखेंगे पिच एंड वॉर्प, इसे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करते एग्जैक्टली आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स, सारे लिरिक्स अलग अलग कट गए हैं और अपने अपने सुरों पर सेट हो गए हैं एग्जैक्टली न्यूटोन के स्टाइल में। ये देखिए ऊपर नीचे हम जल्दबाजी में कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं कि यहां पर भी हम एग्जैक्टली वही चीजें कर सकते हैं। सारा का सारा मैंने किया है सिलेक्ट, फिर लेफ्ट साइड में जाऊंगा, यहां पर ऑप्शन है पिच क्वांटाइज और स्ट्रेटन पिच की। ये एग्जैक्टली सेम वही ऑप्शन है जो एफएल स्टूडियो के अंदर हमने छेड़ी थी, सेंटर वाली पिच और पिच वेरिएशन की। ये देखिए आप राइट साइड पे देख सकते हैं, वो अपने अपनी सेंटर पोजीशन पर आना शुरू हो गया है। ये पर्टिकुलर सुर मैंने सिलेक्ट किया, इसकी पिच मैंने कर दी स्ट्रेट। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज जो न्यूटोन में हम कर सकते हैं वो क्यूबेस में भी कर सकते हैं, और सेम चीज मेलोडाइन में भी होती है। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बेटर नहीं होता, सारे सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली सेम क्षमता के हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई करने की। आप मेरे फेसबुक पे facebook.com/devnextlevel इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई करूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक मैं गाना सुन रहा था, हाँ, क्यूट मुंडा शहरीमान। अब बहुत सारे आप स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, और फ्रस्ट्रेशंस यानी शुरू हो जाती है कि म्यूज़िक नहीं बन रहा। ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है, गिफ्ट रूलर्स ने, वो मेरे पास सीखा और उसके बाद उसे काफ़ी साल हो गए मेहनत करते हुए, और मेहनत करते 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 धीरे धीरे अब क्या होता है कि वो शहरीमान के लिए म्यूज़िक बना रहा है, 5 करोड़ इसके व्यूज़ हैं, तो आप देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मैं गाना सुन रहा था एमी विर्क का, ये कल ही रिलीज़ हुआ है, आप भी ज़रूर सुनेगा और इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये भी मेरे स्टूडेंट रिक हार्ट का म्यूज़िक है, आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं, म्यूज़िक रिक हार्ट। रातों रात लगातार बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल लगते हैं, ये आई थिंक मोर देन 4 ईयर्स, आई थिंक रिक हार्ट 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनको लगातार काम करते हुए दिन रात। तो इत्मीनान से सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।